मिड डे मील की लंबी चौड़ी लिस्ट, सोमवार से शनिवार क्या क्या मिलेगा, दीवार पर इसकी सारी जानकारी, लेकिन ये महज इश्तिहार बनकर रह गया है। इसकी वजह है गांव के प्रधान और प्रिंसिपल की आपसी लड़ाई। ये मामला है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के करहिया गांव के कन्या पूर्व माध्यमिक स्कूल का, जहां 1 अक्टूबर से बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला है। आपको यहाँ विद्यालय में खाना मिलता है? नहीं। कितने दिनों से? 2 महीने हो गए हैं। इससे पहले मिलता था? हाँ। खाना मिलता है? कितने दिन से? 2-3 महीने से। यहाँ लापरवाही की इंतहा देखिए। पहले तो 150 बच्चों वाले इस स्कूल में नवंबर 2018 से सितंबर 2019 तक के मिड डे मील के पैसे नहीं आए। प्रिंसिपल अपने पैसे खर्च करके मिड डे मील बनवाते रहे, लेकिन जब सितंबर में फरवरी 2019 तक का बकाया 36,000 रुपए जॉइंट अकाउंट में आया, तो प्रधान ने प्रिंसिपल को पैसे निकालने के लिए चेक पर साइन करने से इनकार कर दिया। प्रधान जी ने कहा कि देखो मार्ट साहब, ऐसा है कि मैंने एक प्रतिनिधि जो रखा है MDM चेक करने के लिए, वो आपके विद्यालय आएगा और डेटा मिलाएगा, तब मैं दस्तखत करूँगा। प्रधान जी, वो व्यक्ति जिसको आपने अधिकृत किया है कभी विद्यालय ही नहीं जब आते हैं, तो वो कैसे चेक करेंगे कि हमारे विद्यालय में कितने बच्चे हैं? आप बहस ज़्यादा करते हैं, जाइए, मत साइन नहीं करूँगा। प्रिंसिपल को बकाया भुगतान नहीं मिल रहा और बच्चों को मिड डे मील, लेकिन जब अधिकारियों से पूछा गया तो एक रटा रटाया जवाब सामने आया। प्रधानाध्यापक का वर्जन लेने के बाद में और DPRO साहब के संज्ञान में लाकर के तत्काल कार्रवाई कराते हैं, क्योंकि हमने निर्देश दे दिए हैं खंड शिक्षा अधिकारी के, तत्काल जाकर के MDM बनवाना सुनिश्चित करें और बाकी की जो कार्रवाई होगी वो बाद में चलती रहेगी। यूपी के मिड डे मील में लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। मिर्जापुर में बच्चों को नमक रोटी परोसने से लेकर मुजफ्फरनगर में बच्चों के खाने में मरा चूहा निकलने के मामले चर्चा में रहे हैं, लेकिन सरकार है कि नींद से जाग ही नहीं रही। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से विनीत तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।